कक्षा 7 हिंदी व्याकरण। मैं आर एस प्रसाद सर आज आप लोगों को अध्याय 2 निबंध लेखन का भाग 8 कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। तो पहले मैंने 5 इसके निबंध करा दिया है, लेकिन अब ये छठा शुरू कर रहा हूं। तो वर्षा ऋतु पर निबंध लिखना है हम लोगों को, चलिए देखते हैं। है बसंत ऋतुओं का राजा, वर्षा ऋतु की रानी। भारत को ऋतुओं का देश कह सकते हैं और वर्षा को ऋतुओं की रानी। क्यों? क्योंकि इसी ऋतु में प्राणदायक अन्न उत्पन्न होता है। हिंदू महीनों के अनुसार आषाढ़, सावन, भादो और क्वार महीनों में वर्षा ऋतु होती है। अंग्रेजी महीनों के हिसाब से 15 जून से 15 अक्टूबर तक वर्षा ऋतु मानी जाती है। वर्षा ऋतु के 4 महीने में सावन और भादो में वर्षा ऋतु की युवावस्था रहती है और खूब पानी यानी खूब वर्षा होती है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये है वर्षा ऋतु में आकाश में काले बादल छाए रहते हैं, बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं और बूंदाबांदी से लेकर घनघोर मूसलाधार वर्षा होती है। खेतों, मैदानों और गड्ढों में पानी भर जाता है, चारों ओर हरियाली छा जाती है, नदियों में बाढ़ आ जाती है, नावें चलने लगती हैं, वनों में मयूर काले मेघ को देखकर पंख फैलाकर सुंदर नृत्य करते हैं, मेंढक तर्राने लगते हैं, वर्षा की फुहार में बच्चे खेलने लगते हैं। वर्षा ऋतु में किसान प्रसन्न हो जाते हैं, वे हल लेकर खेत जोतते हैं और धान बोते हैं। सारी धरती से सौंधी महक आने लगती है। वर्षा की भीगी फुहारें तन और मन को भिगो जाती हैं। इन कारणों से मुझे वर्षा ऋतु बहुत भाती है। ये निबंध यही समाप्त हो रहा है। अब चलते हैं अगले निबंध की ओर। अगला निबंध है 7वां। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी एक महान पुरुष या नेता के लिए लिखा जा रहा है। चलिए इस निबंध पर भी ध्यान देते हैं जरा। सैकड़ों साल के बाद कभी कभी जवाहरलाल पैदा हुआ करता है। हमारे देश में भी 14 नवंबर 1879 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जन्म लिया था। पंडित मोतीलाल नेहरू के पुत्र जवाहरलाल सच में जवाहर थे। उनकी पत्नी का नाम कमला नेहरू था। उनकी माता का नाम स्वरूप रानी था। नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वे इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री थे कि वे आजीवन उसी पद पर रहे। नेहरू जी ने देश के लिए अपना सर्वस्व दान दे दिया। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अनेक यातनाएं सही, जेल गए, डंडे खाए। नेहरू जी प्रगतिशील विचारधारा के व्यक्ति थे। बदलते समय के साथ मनुष्य को चलना चाहिए, ऐसा उनका विचार था। नेहरू जी को बच्चों तथा गुलाब से बहुत प्यार था। वे बच्चों के चाचा कहलाते थे, इसलिए उनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेहरू जी का पूरा परिवार राष्ट्र सेवी रहा है। अगला निबंध ले रहे हैं हम लोग, मेरी रेल यात्रा। यात्रा में देखते हैं रेल यात्रा दी गई है, तो रेल यात्रा का भी वर्णन करना है आपको, निबंध लिखना है। दीपावली की छुट्टी हो गई थी, मैंने पिताजी को कलकत्ते का दशहरा दिखाने के लिए कहा। वे मुझे दिखाने के लिए तैयार हो गए। हम लोग कलकत्ता जाने की तैयारी करने लगे। सोमवार को जाना तय हुआ। हम लोग निश्चित समय पर स्टेशन पहुंच गए। गाड़ी भी ठीक समय पर आई। अपार भीड़ थी। जो ही गाड़ी रुकी कि धक्का मुक्की शुरू हो गई। किसी तरह हम लोग भी डिब्बे के भीतर दाखिल हुए। बैठने के लिए जगह मिल गई और गाड़ी चल पड़ी। गाड़ी छुप छुप करती तेज गति से चली जा रही थी। गाड़ी के साथ पृथ्वी, पेड़ पौधे सभी दौड़ रहे थे। आकाश में चांद निकल आया था, वह भी हमारे साथ साथ दौड़ रहा था। दूसरे दिन हम लोग कलकत्ता पहुंचे। कलकत्ता का भीड़ भरा बड़ा प्लेटफॉर्म देखकर मन दंग रह गया। स्टेशन से निकलकर
ट्राम पर सवार होकर हम मुख्य बाजार में पहुंचे। बाजार में जगह जगह पर दुर्गा पूजा हो रही थी। काली की मूर्ति और उसकी सजावट यहाँ पर अद्भुत थी। आंखें फाड़ फाड़ करके हम दृश्य देखते रहे। कलकत्ता जैसे नगर और वहां जैसा दशहरा देखकर मन भर गया। चार दिन बाद हम लोग पुनः जनता एक्सप्रेस से रायपुर लौट आए। इस तरह हमारी रेल यात्रा बड़ी सुखद रही। ये निबंध भी यहाँ समाप्त हो रहा है। बच्चों चलते हैं थोड़ा अगले निबंध की ओर। और ये है मेला नवा है। मेरे गांव से 60 किलोमीटर की दूरी पर राजीव नगर है। आप अपने हिसाब से लिखोगे, 60 किलोमीटर की बजाय कम भी हो सकता है आपका। तो 60 किलोमीटर की दूरी पर राजीव नगर है। राजीव नगर महानदी के तट पर बसा है। यहाँ राजीव लोचन का मंदिर प्रसिद्ध है। यहाँ पर प्रतिवर्ष बसंत पंचमी से शिवरात्रि तक मेला लगता है। गत वर्ष मैं भी अपने माता पिता के साथ मेला देखने गया था। मेले के समय पूरे नगर में भीड़ थी, परंतु कुलेश्वर शिव मंदिर और राजीव लोचन मंदिर में तो बहुत ही भीड़ थी। कुलेश्वर मंदिर महानदी और पैरी नदी के संगम पर बना है और बहुत ही सुंदर है। मेले में शहरों और गांवों दोनों से व्यक्ति आए हुए थे। एक चौड़े से मैदान में तरह तरह की दुकानें लगी हुई थी। भीड़ के कारण रास्ता चलना कठिन था। यहाँ बाहर से दुकानें, प्रदर्शनियां, जादू, नौटंकी, तरह तरह के खेल तमाशे, झूले आए हुए थे। चारों ओर तंबू, भीड़ और धूल दिखाई देती थी। लाउड स्पीकरों और भीड़ की आवाज के कारण बहुत शोर था। ये निबंध भी यहाँ समाप्त हो रहा है। बच्चों अब चलते हैं थोड़ा अगले निबंध की ओर। ये है आपका दसवां, मेरा प्रिय कवि कबीरदास। चलिए देखते हैं कबीरदास जी के बारे में। कबीरदास जी मेरे प्रिय कवि हैं। इनका जन्म सन 1398 के लगभग वाराणसी में लहर तारा के समीप माना जाता है। इनका लालन पालन संतानहीन जुलाहा दंपति नीमा और नीरू के द्वारा किया गया। कबीरदास रामानंद के शिष्य थे। इनकी पत्नी का नाम लोई और पुत्र का नाम कमाल था। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, ये सदुपड़ी भाषा में कविता रचते थे। कविता मैं पढ़ता और सुनता भी हूँ। तुलसीदास, सूरदास तथा मीरा की भजने पदावली मुझे बहुत प्रिय लगती हैं, परंतु इन सबसे भी अधिक प्रिय मुझे कबीरदास जी लगते हैं, क्योंकि उनकी काव्य भाषा सरल एवं सपाट है। जो वे जो कुछ भी कहना चाहते हैं एक बार पढ़ने या सुनने मात्र से ही आसानी से समझ में आ जाता है। उनके विचार व्यवहारिक हैं तथा जीवन में उनकी सीखें बहुत काम आती हैं। वे पोथी के मुकाबले ढाई अक्षर प्रेम को महत्व देते हैं। खजूर जैसे बड़प्पन को व्यर्थ मानते हैं, गुरु के महत्व को स्वीकारते हैं। कबीर जी मुझे इसलिए भी अन्य कवियों से अधिक प्रिय हैं क्योंकि वे एक समाज सुधारक भी हैं। उन्होंने ढोंग, आडम्बरों एवं दिखावा करने वालों की जमकर खबर ली, चाहे वह हिंदू धर्म को मानने वाला हो या इस्लाम धर्म को अथवा किसी भी धर्म को। उन्होंने मानवता के पालन को ही सबसे बड़ा धर्म माना है। कबीरदास जी की निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा के संत कवि थे। वे ईश्वर को पहचानने के लिए ज्ञान की अनिवार्यता पर जोर देते थे। यही कारण था कि वे गोविंद तक पहुंचने के मार्ग को बताने वाले गुरु को गोविंद से पहले गुरु को प्रणाम करने पर जोर देते थे। बहुधा कबीर के ये पंक्तियां मैं गुनगुनाता रहता हूं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद जीव बताए। तो ये पंक्तियां उन्होंने लिखी हुई है। इसी के आधार पर ये आपका निबंध समाप्त हो रहा है। और नीचे आपको लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे आप लोगों को कैसा लग रहा और क्या मुझे लिख करके भेजना है उसके बारे में भी बताएंगे। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा
हो सके और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे मैं नया वीडियो डालू तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।